गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आज फिर आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। मैं चर्चा शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो भी कम से कम महागणेशाय नमः तो लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। और मित्रों आप मेरे इस प्रोग्राम को अपने भविष्य को चंद्र राशि से देख सकते हैं, लग्न राशि से देख सकते हैं और दोनों में से कुछ नहीं पता तो नाम राशि से देख सकते हैं। लेकिन आपको अपना और सटीक भविष्य पता लगाना है तो अपनी जन्म कुंडली को भी किसी को दिखाइए। खाली ये गोचर वाली कुंडली से काम नहीं चलेगा, ये तो करोड़ों आदमियों का एक ही भाग्य होगा तो ये सही नहीं है। आपको अपना पता लगाना है तो इस गोचर वाले में भी और अपनी जन्म कुंडली को देखिए। तो मित्रों अब मैं आप देखिए आपको बताऊं मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूं। देखिए अक्टूबर मास यानी अक्टूबर 2023 के महीने में 7 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, यानी 7 इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन अक्टूबर 2023। पूरे महीने में पहली अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक 7 ग्रह गोचर यानी ग्रहों के स्थान परिवर्तन हो रहे हैं, 7 जो कि बहुत कम होते हैं। तो उन 7 ग्रह परिवर्तन का वैसे अलग अलग चर्चा भी की है मैंने, कुछ तो वीडियो बनाए हैं कुछ राशियों को किसको क्या फल मिल रहा है। लेकिन ये 7 ग्रह गोचर एक साथ कभी चर्चा नहीं की कोई कि किस राशि को क्या मिल रहा है, वही चर्चा करने में अभी आया हूँ। और मैं सिंह राशि तक चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए सिंह राशि के बाद जो अगली राशि आ रही है वो है कन्या राशि। कन्या राशि नंबर 6 आ गई लग्न में पहले भाव में। देखिए कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध। तो पहली अक्टूबर को बुध जो है कन्या राशि में आ रहे हैं सिंह राशि छोड़ करके। ये पहला ट्रांजिट है कि पहला के बुध पहली अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध अपने घर में आ गए उच्च के अति उच्च के। कन्या राशि अपने घर में जो आता है वो तो जाहिर ऐश करता है, ऊंच का होता है, लाभ ही देगा। तो बुध जो है कन्या राशि वालों को पहले लग्न में पहले भाव में आके बैठ गए यानी कन्या राशि जो आ गई। और जब बुध केंद्र में पहले भाव में कन्या राशि में आएंगे तो भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। भद्र महापुरुष राजयोग का मतलब कल्याण ही कल्याण, सारी संतान को लाभ, पैसा आएगा, धन सुख साधन बढ़ेंगे, नौकरी में तक यानी जो भी भद्रकारी कार्य हैं सब अच्छे अच्छे, नाम ही है भद्रयोग। तो भद्रयोग की वजह से पहले भाव में बुध आ गए तो भद्रयोग बन गया, अच्छा लाभ मिल गया कन्या राशि को। और सम्मुख सप्तम भाव में देख रहे हैं, सप्तम भाव में देखिए पहले में कन्या राशि है तो सातवें में बारहवा, बारहवें मतलब मीन राशि। तो मीन राशि आ गई सामने। तो देखिए मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ हैं, बृहस्पति देखिए मेष राशि में है और बकरी हैं। तो बकरी बृहस्पति मेष राशि से मीन राशि को भी सपोर्ट देंगे। हर बकरी ग्रह पिछले राशि को सपोर्ट करता है। तो सप्तम भाव में आप देखिए बहुत ज़बरदस्त क्या बृहस्पति, ये मान लो बृहस्पति ही बैठे हैं सप्तम भाव में। तो पहले भाव में लग्न में बुध, सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा संबंध, कोई भी लड़ाई या कोई झगड़ा या कोई भी मन मुटाव था तो सब हवा हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। और कोई आपका व्यापार है अगर जिसमें कई लोग आपके पार्टनर्स हैं तो बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बुध जो है बुद्धि कारक, बुध जो है ज्ञान कारक, बुध जो है व्यापार के वर्धक,
तो व्यापार में तरक्की मिलेगी और धन खूब आएगा। तो बुध जो है कन्या राशि में बैठ करके सप्तम में मीन राशि को, जहाँ बृहस्पति की सहायता, बृहस्पति का बल मिल रहा है, वहाँ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा भद्र महाप्रोध राशि तो खुद बहुत अच्छा। और देखिए अगला परिवर्तन जो हो रहा है वो 2 अक्टूबर को ही, 2 अक्टूबर को शुक्र जो है क्या कर रहे हैं, शुक्र जो है कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ रहे हैं। शुक्र सिंह राशि में आ रहे हैं जो कि बारहवें भाव में होगी, क्योंकि कन्या राशि छठी राशि पहले भाव में है, तो ये शुक्र ये राशि सिंह राशि बारहवें भाव में, तो बारहवें भाव में शुक्र आ गए। और बारहवें भाव से शुक्र छठे भाव को देखेंगे, छठे भाव में देखिए कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में कौन है, शनि महाराज विद्यमान है। तो शनि और शुक्र का समसप्तक दृष्टि पड़ेगी एक दूसरे को। शनि दैत्य है, शुक्र दैत्य गुरु है, तो बारहवें भाव से दैत्य गुरु शुक्र शनि को सपोर्ट करेंगे और शनि शुक्र को सपोर्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को। बारहवें छहवें तो बारहवें शुक्र बैठे हैं तो विदेश भाव में, विदेश से धन के मालिक हैं, धन के मालिक विदेश भाव में पहुंच गए तो धन तो खूब आएगा। अगर आपका जरा सा भी व्यापार, जरा सा भी काम, जरा सा भी कुछ कनेक्शन विदेश से है तो विदेश से बहुत लाभ मिलने वाला है। और आपको अगर आपका काम है तो विदेश जाने का पड़ेगा, वीजा पासपोर्ट सब तैयार रखिए, आपको विदेश गमन करना पड़ेगा, चाहे आपको अपने व्यापार के संबंध में, नौकरी के संबंध में, या आपके रिश्तेदार संबंधियों से मिलने के लिए विदेश यात्रा हो रही है। आपको शुक्र जो है आपको बुला रहे हैं, धन भाव मतलब धन दे रहे हैं वहाँ बैठ करके विदेश से। और देखिए खर्चा भी धन का, बारहवें भाव धन हानि भी होती है वहाँ पर, तो जब विदेश जाएंगे तो खर्चा तो होगा, वो धन की हानि समझ लीजिए। और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं, रोग ऋण से मुक्ति दिला रहे हैं, शत्रुओं को भगा रहे हैं, शत्रुघ्नता योग बन रहा है, कोर्ट कचहरी के केस में लाभ मिलेगा, बीमारियां भाग जाएंगी, छुटमुट की टेम्प्रेरी बीमारी, मौसमी बीमारी कोई हो जाए तो हो जाए, कोई लॉन्ग बीमारी होती वो तो आपको भाग छोड़ के भाग जाएगी। तो 2 अक्टूबर को शुक्र आ गए बारहवें भाव से छठे भाव में, 3 अक्टूबर को मंगल कहाँ आ गए, तुला राशि में आ गए। तुला राशि कहाँ है, दूसरे भाव में, धन भाव में, क्योंकि छठी राशि पहले भाव में है, तो तुला राशि साथ में दूसरे भाव में आ गई। दूसरा भाव का मतलब धन भाव, तो धन भाव में मंगल आ गए भाई। अब मंगल धन भाव में आकर धन ही तो देंगे भाई, व्यापार से धन देंगे, नौकरी से धन देंगे, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय से धन देंगे। भूमि पुत्र मंगल आपको भूमि का काम करा सकते हैं, जमीन दिला सकते हैं, बंगला दिला सकते हैं, गाड़ी दिला सकते हैं, क्यों, धन भाव में मंगल बैठ गए। और धन भाव से मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी आठवें भाव गूढ़ विद्याओं का, आठवें भाव ज्योतिष का, तंत्र विद्याओं का, ज्ञान का, उससे लाभ का, और शेयर मार्केट लॉटरी प्लस पैतृक संपत्ति का है। तो धन भाव से ये मंगल देखेंगे अष्टम में, तो भी शॉर्ट टर्म गेन धन आएगा। और वहाँ पर देखिए कौन बैठा हुआ है, आठवें भाव में कौन बैठा हुआ है, मेष राशि। मेष राशि में कौन है माँ, बृहस्पति। तो बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, बृहस्पति देवगुरु, मंगल सेनापति, तो बृहस्पति देवगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है मंगल को दूसरे भाव में, तो धन तो आएगा ही आएगा। मंगल धन दे रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि से भी धन दे रही है। और देखिए अगली चेंज आया 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को भी सूर्य मंगल के पास तुला राशि में आ जाएंगे। तो तुला राशि यानी नंबर 2 धन में, तो अभी तक मंगल धन दे रहे थे, अब 18 तारीख से सूर्य भी धन देंगे और सूर्य आपकी किस्मत चमका देंगे। और सूर्य का भी दृष्टि पड़ेगी कहाँ, अष्टम में, तो अष्टम से भी पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं, अष्टम से भी धन दिला सकते हैं, अष्टम से भी ज्ञान तंत्र मंत्र विद्याओं का, तो और लॉटरी का, शेयर मार्केट का सब। और देखिए तीसरा अगला चेंज आ रहा है एक और, मतलब जो वो हो गया पांचवा चेंज कौन सा हुआ, 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को क्या हो रहा है भाई, 19 अक्टूबर को जो है बुध जो है जो अभी तक वहाँ बैठे थे कन्या राशि में अपने पहले भाव में, अब बुध वहाँ से चढ़ करके
अगले मतलब अगला भाव कौन सा है, तुला राशि। तो तुला राशि में जहाँ मंगल है सूर्य है तो बुध वहाँ आ गए। तो जब बुध आ गए सूर्य के पास तो अब यहाँ आकर के बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। तो सूर्य बुध मंगल तीन ग्रह धन भाव में 19 तारीख के बाद से तीन तीन ग्रह कन्या राशि की बल्ले बल्ले कर देंगे भाई, धन भाव में धनी धन लुटा देंगे। तीन ग्रह धन भाव में सूर्य मंगल बुध और केतु भी है वहाँ पर भाई, चार ग्रह और चारों की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में जहाँ राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो छह ग्रह छह चार ग्रह की दृष्टि दो ग्रह पर बैठे हैं, तो छह ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं और छह ग्रह धन भाव को देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, छह ग्रहों का योग कहाँ पर, धन भाव पर और अष्टम पर। तो ये बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है कन्या राशि वालों, छह छह ग्रह आपके धन भाव पे आ गए 19 अक्टूबर के बाद। और देखिए अगला चेंज जो है छठा चेंज हो रहा है 30 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर से इफेक्टेड मान लीजिए आप, यानी महीने के अंत में राहु जो है, अभी जो है राहु मेष राशि में थे, राहु बकरी चलते हैं तो मेष राशि निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में राहु आ जाएंगे अभी मीन राशि, मैंने कहा थे अब तक जो है मेष राशि में, मेष राशि कहाँ बैठी है आठवें भाव में है, तो अब ये सातवें भाव में आ जाएंगे। राहु मीन राशि में सप्तम में आ जाएंगे और केतु अगला परिवर्तन सातवां होगा वो कन्या राशि में यानी लग्न में आ जाएंगे केतु। तो राहु सप्तम में और केतु लग्न में, तो केतु भी आपके देखिए लग्न में बैठ करके केतु आपके शरीर को भी स्वस्थ करेंगे। केतु आपके देखिए राहु थोड़ा विचारों को बढ़ाते हैं यानी आपके दाम्पत्य जीवन में आएंगे तो कुछ आपके विचारों में क्लैश आपस में कर सकते हैं। अब तक तो अच्छा संबंध चल रहा था लेकिन राहु के आते ही 30 अक्टूबर के बाद से जो राहु मीन राशि में आ जाएंगे लेकिन भाव आपका सप्तम होगा तो थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ तो मन मटाव राहु यानी आपको राहु जो है आपके मन दिमाग को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। कोई आपको शक होने लगे किसी अपने दाम्पत्य जीवन में, संदेह होने लगे, कोई आपको ऐसे केतु जो है शरीर में, केतु का काम है संकीर्णता लाना, नैरोनेस संकुचित करना। तो आपका जो है यानी जो राहु विकास करेंगे आपके बड़े बड़े ऊंची ऊंची बात लाएंगे माइंड में, ऐसा हो ऐसा हो, आपकी दौड़ ध्यान से लेकर दुनिया की पूरी दुनिया में घूम जाएंगे आप, नए नए विचार आएंगे और वो पूर्ति नहीं होने पर फिर दिमाग में टेंशन पैदा होगी। तो राहु और केतु का ये जो अभी जो चेंज आएगा आपके ये ज़्यादा अच्छा नहीं है मतलब आपके, लेकिन चेंज तो है ही है। तो छठा और सातवां तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि भाई कन्या राशि के लिए सात चेंज हुए जिसमें बहुत बड़ा पहला बुध का हुआ था जो लग्न में बुध आए थे भद्र महापुरुष राजयोग बनाया था और बाकी का तीन ग्रह चार ग्रह मतलब धन भाव में सूर्य मंगल बुध और केतु और बृहस्पति की राहु की दृष्टि। तो बृहस्पति का यानी देवगुरु का मतलब मंगल को युवराज बुध को सेनापति मंगल को और राजा सूर्य को प्रदर्शी डालना, देवगुरु की आशीर्वाद मिलना धन भाव में कन्या राशि के लिए बहुत जबरदस्त लाभ हो रहा है। तो ये तो लाभ हो गई होगा। तो मित्रों अभी मैं कन्या राशि के लिए विराम देता हूँ, आगे आऊँगा तो आगे और कोई अगली राशि की चर्चा करूँगा। मित्रों आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों नमस्कार।